स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक नंबर लिखा है 45 और एक नंबर लिखा है 27 और यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें जो 15 है, 15 क्या है, 45 को डिवाइड करता है पूरा। 15 थ्री ज़ा 45 मीन्स 45 15 से कटता है। इसी तरह से 45 5 से भी कटता है, 5 नाइन ज़ा। इस तरह 45 खुद से भी कटता है ना, 45 वन ज़ा 45। 45 टू से कटता है, नहीं कटता। 8 से नहीं कटता। इसी तरह से 27 खुद से कटता है, 27 वन ज़ा। और 27 क्या, किसी 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा। इसी तरह से 27 9 से भी कटेगा, 27 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो ये कुछ नंबर्स लिखे हुए। अब इनको इस तरह से अरेंज करके लिखने का मतलब ये है कि ये जो बीच में नंबर है, जैसे 9 क्या है, 27 को भी काट रहा है और 9 से 45 भी कटेगा। तो ये जो बीच में नंबर लिखे हैं 1, 3 और 9, इन तीनों नंबर से दोनों कट रहे हैं, इसलिए बीच में लिखा है 9 से 45, 9 से 27। 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, मतलब 9 से दोनों कट रहे हैं और 3 से भी दोनों कट रहे हैं। 3 से 15 बढ़ जाएगा और 3 से 9 ज़ा 27 जाएगा। 1 से 45 बार 45 जाएगा और 1 से 27 बार। तो 1, 3 और 9 ये तीन नंबर से क्या है, दोनों कट रहे हैं। अब कोई भी नंबर जिससे कोई दूसरा नंबर कटता है तो उसे उसका फैक्टर बोलते हैं। यानी ये सारे जो सर्किल वाले नंबर हैं ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। जो सर्किल में नहीं है वो सब क्या है, फैक्टर नहीं है। तो जितने भी सर्किल वाले नंबर हैं ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। अब 15 किसका फैक्टर है, 45 का। और 15, 5 और 45 ये तीनों किसके फैक्टर हैं, 45 के, क्योंकि ये तीनों 45 को काट रहे हैं। 27 किसका फैक्टर है, 27 का फैक्टर है, क्योंकि ये 27 को काट रहा है। लेकिन 9, 3 और 1 ये तीनों 45 के भी फैक्टर हैं और ये तीनों 27 के भी फैक्टर हैं। तो जो दोनों के फैक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक। तो तीनों में जो कॉमन, जो सबसे बड़ा है, तीनों कॉमन फैक्टर्स में भी जो सबसे बड़ा है उसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1, 3 और 5, 9 क्या है, कॉमन फैक्टर। और ये सब क्या है, सिर्फ फैक्टर्स हैं। 45, 5 और 15 ये क्या है, फैक्टर है इसके। 27 इसका फैक्टर है। और लेकिन 9, 3 और 1 क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। 9, 3 और 1 क्या है, दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन उन कॉमन फैक्टर्स में से भी 9 क्या है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। 1, 3 और 9 कॉमन फैक्टर है, 9 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, HCF, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो गया, ये 9। 45 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 9। मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, कॉमन फैक्टर हो में भी क्या हो, बड़ा हो, उसको बोलते हैं HCF। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि HCF होता क्या है। अब लेकिन अब HCF को निकालेंगे कैसे, चलो वो देखते हैं। जैसे ये 27 और 45 के HCF निकालना हो तो 27 से क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे। 27 वन ज़ा 27, बचा कितना, 15 में 7 गया, 8 या 18। 18 से अब 27 को डिवाइड करेंगे, 18 वन ज़ा 18, अब कितना बचा, 9। अब 9 से 18 को डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो 9 टू ज़ा 18। इस तरह से इसी सीक्वेंस में चलते जाएंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे इस वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। इस तरह से लास्ट में जब रिमाइंडर कुछ ना आए तो जो लास्ट वाला जो डिवाइजर बचेगा वही क्या होता है, HCF। तो फाइनली दोनों के HCF हमने निकाल लिया, HCF कितना हो गया, 9। तो इस तरह से HCF निकालते हैं। अब इस HCF को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो स्टेप यही होगा, बस इसको हम लोग स्टेटमेंट में ऐसे लिख लेंगे। जैसे 45, तो 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोर्शन ये हुआ ना इतना, तो 45 इज इक्वल टू क्या होगा, 27 इंटू ये इंटू ये होगा ना, 27 इंटू 1 और प्लस कितना, 18, ये हो गया 45 इज इक्वल टू। अब इस पे लगाएंगे ये, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट इस वाले के लिए, तो अब क्या होगा, 27 बीच में क्या है, 27, तो 27 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 होगा, 18 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा, 9। लास्ट वाला क्या है, अब इस वाले पे लगेगा, तो 18 इज लास्ट में है ना, तो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2, और लास्ट में क्या, 0 बचा, तो प्लस 0। तो ये लास्ट इस तरह से हम लोग ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग ने इसका स्टेटमेंट लिख लिया। तो लास्ट में क्या आया, 9 आया, तो HCF कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह से अगर कहा जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालो, तो पहले हम दोनों को इस तरह से निकाल लेंगे HCF, HCF पता चल जाए, फिर उसको ऐसे स्टेटमेंट में लिख देंगे। हेलो, दिस इज़ यूसुफ। और अभी तुम लोगों ने देखा कि HCF क्या होता है
और SCF को यूक्लिड डिविजन लेमा से हम लोग कैसे निकालते हैं, इसी यूक्लिड डिविजन लेमा पे बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन आज इस वीडियो में लगाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, इन दोनों के SCF निकालना है यहाँ पे और कौन से मेथड से, यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम से। तो करना वही जो इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, 135 छोटा नंबर, 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही जाएगा, तो 1 जा 135 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आया, 12 में 3 के बचा 9, 1 उसको 90 बचा रिमाइंडर। अब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 90 1 जा 90, अब 5 में से 0 के बचा 5, 13 में से 9 गया 4, अब 45 रिमाइंडर बचा, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 2 जा 90, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो फाइनली SCF क्या आया, 45 लास्ट वाला जो होता है वो होता है लास्ट वाला डिवाइजर SCF होता है, तो SCF आ गया 45। अब यूक्लिड के फॉर्मेट में इसको बस सिर्फ लिखना रहेगा, तो क्या करेंगे, पहले 225 है तो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 और प्लस 90। एक फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, 135 है तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 और प्लस 45, 90 इंटू 1 और प्लस ये वाला 45। अब तीसरा स्टेटमेंट किसके लिए बनेगा, 90 के लिए, तो 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 और प्लस 0, तो लास्ट वाला है 45 SCF, तो SCF हो गया 45। तो इसी तरह से हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी फर्स्ट वाले के कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि अब सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को एग्जैक्टली हमने पूरा सेम क्वेश्चन को ही इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किया है, तो वीडियो के नीचे लिंक में वो वाला वीडियो जाके देख लो, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पूरा पूरा दिया हुआ है, तो उसको वहां जाके देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, यानी कि दो ग्रुप है, एक ग्रुप कितने लोग का है, 616 लोग का है, और दूसरा ग्रुप कितने लोग का है, 32 लोगों ग्रुप है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों को कॉलम्स में डिवाइड करना है और दोनों में नंबर ऑफ कॉलम सेम होना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम कितने कॉलम्स दोनों में बन सकते हैं ताकि नंबर ऑफ कॉलम दोनों में क्या हो, सेम हो। तो आज सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ग्रुप में कितने लोग हैं, 616, सेकेंड ग्रुप में कितने हैं, 32 लोग। इस क्वेश्चन को, इसमें नंबर्स थोड़े बड़े हैं तो इसको समझने के लिए थोड़ा छोटे नंबर को लेकर हम लोग पहले समझते हैं कि करना क्या है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक ग्रुप में 8 लोग हैं, एक ग्रुप में 12 लोग हैं, 8 and 12, ये एक एग्जाम्पल ले रहे छोटे नंबर का जिससे समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब कहा जाए कि दोनों को इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड करना है, तो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम बराबर कॉलम में बांटना है। अब इसमें 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, इसमें 12 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ना। तो अब इसमें 12 लोग हैं, इसमें 8 लोग हैं, इनको इक्वल कॉलम से बांटना है। तो एक तरीका तो ये है कि एक कॉलम में दो लोग को रखें, दो दो दो, है ना, दो 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 और दो, तो हो गए 8 लोग, कितने कॉलम बने, 1 2 3 4, चार कॉलम में बांट दिया, और इसको भी चार कॉलम में करने के लिए तीन तीन रख दिए, 12 लोग थे तो 1 2 3 4, तो 3 3 के चार कॉलम बन गए। तो अब इसमें चार कॉलम इससे बन गए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो चार कॉलम बना सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी थी कि हम लोग दो दो ना करके एक कॉलम में चार को रखते और एक कॉलम में चार को, तो कितने कॉलम बनते हैं, दो कॉलम, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें भी एक में छः को रखते हैं, एक में छः को 12 थे तो छः छः रखते हो, दो कॉलम बनता। इस केस में भी नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो अगर दो कॉलम का भी हम लोग बनाते तो भी इसमें छः छः करके दो कॉलम आते हैं और इसमें चार चार करके दो कॉलम आते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इस केस में भी दोनों में सेम रहता, इस केस में नंबर ऑफ कॉलम सेम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इसमें है क्योंकि दो तो कम है और चार ज़्यादा है, तो मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं, इक्वल चार चार। तो अब वो फोर कैसे आए, फोर दोनों का क्या है, SCF है, 8 और 12 का SCF कितना है, 4, कैसे निकालेंगे, ऐसे 8 1 8 और फिर 12 में से 8 गया कितना बचा, 4, और 4 से फिर 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 पूरा पूरा कट गया, तो SCF कितना आ गया, 4। तो SCF जो होता है, जो SCF होता है वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का SCF निकालेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू SCF ऑफ 32 एंड 600 632
से वैसे डिवाइड कर देंगे 616 को, 32 वन ज़ा 32, 11 में से 9 गया बचा 2, 5 में से 3 गया 2, 296। 32 से अब 9 ज़ा करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 1 28, 18 में से 16 में से 8 गया 8। अब 8 से 8 बच गया रिमाइंडर, अब 8 से 32 को डिवाइड कर लेंगे, 8 4 ज़ा 32, तो लास्ट वाला कितना आ गया 8, तो SCF कितना हो गया 8 हो गया। तो यानी कि कितने कॉलम मैक्सिमम बनेंगे, 8 कॉलम्स, तो देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8 आंसर। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन होगा कि दो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं तो उनको इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में बांटना होगा, तो बस सिंपली दोनों के SCF निकालेंगे, और क्यों निकालेंगे वो यहाँ से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म का होगा, या तो 3m टाइप का होगा या तो 3m+1 टाइप का होगा, ये चीज़ प्रूफ करना है हमें। तो अब हम लोग मान लेंगे कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, a को एक एनी भी मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब a को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 3 आ रहा है ना, 3m और 3m+1 जो भी आएगा उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो अब a को अगर मान लो 3 से हम डिवाइड करते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहा गया है कि अगर a कोई नंबर है, कोई भी है, उसको b से डिवाइड करते हैं, q आता है क्वेश्चन और r आता है रिमाइंडर, देन a कैन बी रिटेन एज bq+r, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b q+r, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे a को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q+r, है ना। a को अगर b से डिवाइड करें तो bq+r होता है, और अगर 3 से डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q+r। अब यहाँ पे ये r के लिए क्या बात है कि r जो है वो हमेशा इससे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए, तो r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होनी चाहिए ना, r जो होता है वो b से हमेशा छोटा होता है, तो यहाँ पे r किससे छोटा होगा, r इज़ लेस देन 3, और r की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से ना, 0 से लेकर 3 तक r की वैल्यू जाएगी, तो r इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2, है ना, 0 से 3 के 3 से छोटी रहेगी r की वैल्यू, और 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 और 2 r की ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। अब r के इन पॉसिबल वैल्यूज़ को इसमें सब यहाँ पे पुट करेंगे तो a की पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी, हाँ, तो a इज इक्वल टू क्या है, 3q+r। अब 3q+r में r की वैल्यूज़ क्या क्या थी, 0 था, 1 था और 2, क्योंकि r की वैल्यू 3 से नहीं बड़ी हो सकती, जो भी यहाँ पर रहेगा उससे बड़ा नहीं हो सकता r की वैल्यू, तो अब r की वैल्यू एक एक करके रखेंगे, तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a ना, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a क्या क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा 3q हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 0 पुट करें तो 3q रहेगा, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q+1, और तीसरी वैल्यू क्या, 2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q+2। तो r की तीनों वैल्यूज पुट किया तो a की तीन वैल्यू आ गई, एक आ गया 3q, एक आ गया 3q+1 और एक आ गया 3q+2, ये तो हो गया a की वैल्यू, लेकिन a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो अब इस a का स्क्वायर करते हैं, तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ a, है ना, a का स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा एक, और दूसरा क्या होगा, 3q+1 का स्क्वायर होगा, और तीसरा हो जाएगा 3q+2 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 3q का स्क्वायर मींस 9q² और 3q+1 का a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म लगाएंगे, तो 3q का स्क्वायर 3 3 9 9q² a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला मालूम है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है, तो 3q+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q+1 का होल स्क्वायर इसी फॉर्मूले से, a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है फिर 2ab, तो 2 × a का मतलब 3q और b का मतलब 1, तो 3q का स्क्वायर 9q² और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 3 ज़ा 6q, तो ये हो गया 3q+1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 9q² + 1 + 6q। अब 3q+2 का इसी फॉर्मूले से स्क्वायर लगा लें तो क्या हो जाएगा 9q²
प्लस टू का स्क्वायर 4 और प्लस टू ए भी, मतलब 2 थ्री ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12 क्यूब। तो ये तीन वैल्यूज़ आ गई ए के स्क्वायर की। ए की तीन वैल्यूज़ क्या थी? ये और ये। और ए स्क्वायर की तीन वैल्यूज़ क्या क्या थी? ये और ये, तीन वैल्यूज़ आ गई। अब इसको सॉल्व कर देखते हैं तो क्या हो गई है। इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 3 क्यू स्क्वायर। इसमें से इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से, इसमें 9 और इसमें 6 है, तो 3 दोनों में से कॉमन निकल सकता है, 1 तो ऐसे ही रह जाएगा। तो इसमें से तो 9 क्यू स्क्वायर और प्लस 6 क्यू को बगल बगल कर लेते हैं, प्लस 1 को अलग कर दिया, ठीक है। इसमें से भी 9 और 12 में से 3 कॉमन निकल, इन दोनों को बगल बगल कर लें, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4, ठीक है। अच्छा, 4 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 प्लस 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1, क्योंकि 3 कॉमन निकालना है ना, तो 4 को लिख लिया 3 प्लस 1। अब 3 कॉमन निकलेगा इसमें से, इन दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, और इसमें से ये भी 3 से कटने वाला टर्म, ये भी 3 से, और ये भी 3 से कटने वाला टर्म है। ए स्क्वायर की ये वैल्यूज आ गए, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, इस तरह से लिख लिया। अब इसको अलग से सॉल्व करें तो 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, तो ये क्या है? 3 इंटू समथिंग टाइप का, तो 3m टाइप का हो गया, है ना, 3 इंटू समथिंग। इसमें से क्या है? इस यहाँ और यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा, तो निकाल लेते हैं 3 कॉमन। 3 निकला तो अंदर क्या बचा? 3 क्यू स्क्वायर बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना? 3 टू ज़ा 6 होता है, तो 2 क्यू बचा, और प्लस 1 ऐसे ही रह गया। इसमें से 3 इसमें से कॉमन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से, तो 3 कॉमन निकाल लें तीनों में से, तो 3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? 3 3 ज़ा 9, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4 क्यू, और प्लस 3 1 ज़ा 3, तो 1, और ये प्लस 1 वैसे ही रह गया। तो ये क्या हो गया? 3m, और ये 3 इंटू समथिंग, इसको भी 3 इंटू m और प्लस 1, और ये भी 3 इंटू समथिंग, ये पूरा, तो 3m प्लस 1। यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू 3m टाइप की होगी या 3m प्लस 1, ये तो दोनों सेम ही टाइप आ रहा है। तो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिविजन लिमिट टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये एकदम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जैसे उसमें स्क्वायर प्रूफ किया था वैसे इसमें क्यूब प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं। ये प्रूफ करना है कि क्यूब जो है किसी नंबर के इसी फॉर्म का होगा। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए की वैल्यू यहाँ ए इज डिवाइडेड बाय, ए को हम लोग 9 है तो 3 से भी काम चल जाएगा। ए इज डिवाइडेड बाय किस से? 3 से। ए को 3 से डिवाइड करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 क्यू प्लस आर, है ना, जैसे भी किया था वैसे सब कुछ लिख लेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा, 1 होगा और 2, क्योंकि आर जो है वो 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो आर की वैल्यू 0, 1 और 2। तो ए की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0 रखेंगे तो 3 क्यू आ जाएगा, और जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 क्यू प्लस 2। तो ये तो हो गई ए की वैल्यूज़। अब हम लोग किसकी वैल्यू लिखेंगे? ए की क्यूब, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्यूब बोला गया ना, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब बोला गया है। तो अब ए का क्यूब निकालते हैं। ए की वैल्यूज़ क्या क्या थी? एक 3 क्यू था, एक 3 क्यू प्लस 1 था, और एक 3 क्यू प्लस 2, है ना। ए की ये तीन वैल्यूज़ आई थी, 3 क्यू, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2। तो ये तीनों वैल्यूज़ ए की लिख लिया। अब इधर किसकी वैल्यू लिखेंगे? ए क्यूब की, उसका क्यूब कर दिया। तो अब 3 क्यू का क्यूब करेंगे, तो 3 क्यू का क्यूब कितना आएगा? 27 क्यू क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 क्यूब हो गया। अब 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और 3a स्क्वायर भी, और प्लस 3ab पे स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो 3 क्यूब प्लस 1 को होल क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इससे 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो फिर वही a प्लस बी का होल क्यूब, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें यहाँ से क्या है? 9 का हम लोग को प्रूफ क्या करना था? 9m टाइप का ना, तो इसमें से 9 कॉमन निकल जाएगा, अंदर कितना बचेगा? 3 क्यू की पावर 3 ना, 9 कॉमन निकाल लिया, 9 बाहर निकल गया। इसमें से 9 इसमें से कॉमन निकल सकता है, 9 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, 9 यहाँ से निकल सकता है, इन तीनों में से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा? 9 कॉमन निकाला तो इसमें मिला 9 3 ज़ा 27, तो 3 क्यू का क्यू की पावर 3 प्लस, इसमें से 9 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 9 3 ज़ा 27, तो 3 क्यू प्लस 9, इसमें से भी कॉमन निकलेगा तो 9 1 ज़ा तो 1 क्यू,
और बचा क्या रह गया, ये वाला वन बचा रह गया ना, इन इसमें से तीनों में से नाइन कॉमन निकल गया लेकिन ये वन ऐसे ही रह गया, तो प्लस वन अलग से रह गया। इसी तरह से इसमें से नाइन कॉमन निकलेगा, नाइन यहाँ से कॉमन निकलेगा, नाइन यहाँ से ना, तो इन इसका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, नाइन कॉमन निकालेंगे इसमें से तो थ्री क्यू क्यूब बचेगा, और प्लस में तो नाइन एट जा नाइन नाइन सिक्स जा 54, तो सिक्स क्यू बचेगा, और प्लस नाइन फोर जा 36, तो फोर क्यू बचा, इस ये एट बचा रह गया ऐसे ना, क्योंकि एट में से कोई नाइन नहीं निकल सकता, तो प्लस एट वैसे ही रह गया। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, किस टाइप का, नाइन एम टाइप का ना, तो अब ये क्या हो गया, नाइन इंटू समथिंग है, तो ये हो गया नाइन एम, नाइन इंटू समथिंग था तो नाइन एम हो गया। यहाँ पे क्या है, नाइन इंटू समथिंग प्लस वन, तो ये किस टाइप का हो गया, नाइन एम प्लस वन टाइप का हो गया, क्योंकि इसमें प्लस वन एक्स्ट्रा बच रहा था, इसमें नाइन इंटू समथिंग प्लस एट बच रहा है एक्स्ट्रा, तो किस टाइप का हो गया, नाइन एम प्लस एट। तो देयर फोर क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब किस फॉर्म का हो गया, नाइन एम टाइप का, नाइन एम प्लस वन टाइप का, या नाइन एम प्लस एट टाइप का। हेंस हम लोग लिख देंगे कि देयर फोर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म नाइन एम, नाइन एम प्लस वन, और नाइन एम प्लस एट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पूरी लगा लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 हम लोग शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे उसी वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 भी पूरी ख़त्म किया जाए। जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पे आए, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन भी दबा दें, और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएँ। ठीक है, थैंक यू।